छावनी परिसर में सनसनीखेज घटना सामने आई। मॉल क्वार्टर परिसर में एक व्यक्ति ने हथौड़ी से सिर फोड़कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शनिवार देर रात ये घटना हुई, लेकिन मामला रविवार की सुबह प्रकाश में आया। मृतकों में मॉयल क्वार्टर निवासी सोनिया राजेश मंडाले उम्र 37 वर्ष और राजेश खेमराज मंडाले उम्र 50 वर्ष का समावेश है। दोनों मुलतहा चार गांव रामटेक के रहने वाले थे। सोनिया मॉयल में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी, जबकि राजेश निजी संस्थान में नौकरी करता था। 4 साल पहले राजेश को कैंसर हो गया, तब से वह घर पर ही रह रहा था। पुलिस के अनुसार 15 वर्ष पहले राजेश का पहली पत्नी के साथ तलाक हो गया था। वह अपने 2 बच्चों के साथ अलग हो गई। इसके बाद राजेश ने सोनिया से प्रेम विवाह किया। उन्हें वैष्णवी नामक 14 वर्षीय बेटी है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। पिछले कुछ महीनों से राजेश पत्नी के चरित्र पर संदेह कर रहा था, इस वजह से दोनों का विवाद होता रहता था। शनिवार की रात वैष्णवी अपने कमरे में सोने चली गई। देर रात राजेश और सोनिया के बीच विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजेश ने सोनिया के सिर पर हथौड़ी से 3 से 4 बार प्रहार किया। आज सकाळी पोलीस स्टेशन सदरला तक्रार आली, एका व्यक्तीने आत्महत्या केलेली आहे आणि त्याच्या बेडरूममध्ये एका महिलेचा प्रेत पडलेला आहे। त्या माहितीवरून आम्ही स्पॉटला आलो, त्या ठिकाणी माहिती घेतली। तर सदर फाशी घेतलेला मृतक नामे राजेश मंडाले यांनी हँगिंग करून स्वतः आत्महत्या केली होती आणि त्याच्या बाजूला त्याच्या पत्नी सोनिया मंडाले त्याचा प्रेत पडलेला होता आणि त्यांच्या डोक्यावर एक जाड वस्तूनी जड वस्तूनी वार केलेला होता। त्या ठिकाणी माहिती घेतली तर मृतक राजेश मंडाले हा कॅन्सरने पीडित होता आणि प्राथमिक माहितीवरून त्याने आजाराला कंटाळूनच आत्महत्या केली आणि आपल्या मागे कुटुंबाचं कसं होईल ह्या कारणावरून त्याने आपला पत्नीचा खून केला असावा असं प्राथमिक माहिती आम्हाला मिळाली। त्या पद्धतीने आमचा तपास सुरू आहे। प्राथमिक माहितीवरून आणि त्याच्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरकडून माहिती काढली असते, त्याला मागील 3 वर्षापासून त्याला जबड्याचा कॅन्सर होता, त्याच्यावर त्याचे उपचार पण सुरू होते आणि तो सध्या काही कामधंदे करत नव्हता आणि त्याची पत्नी जी होती ती मॉलमध्येच नोकरीला होती आणि असं काही त्यांची मुलगी आहे लहान 12 वर्षाची, तिला विचारलं त्याबद्दल काही त्याने भांडण वगैरे झालं नाही, फक्त त्याचे वडील कॅन्सरने पीडित असल्यामुळे त्या कारणावरून ते त्रास झाले होते। इस हमले से सोनिया वहीं बेहोश होकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद राजेश ने सीलिंग फैन से रस्सी बांधकर खुद को फांसी लगा ली। वैष्णवी गहरी नींद में थी, इस कारण उसे कुछ पता नहीं चला। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।